नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिहर। आपको हमारे चैनल टॉके टॉपिक पर स्वागत है। आप जानते होंगे कि चीन और भारत की विवाद कुछ सही नहीं। वर्ल्ड के बड़े बड़े देश अब भारत के साथ हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश शामिल हैं। अगर हम चीन की बात करेंगे तो ये कुछ देशों को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, जैसे कि पाकिस्तान, अफ्रीका के कुछ देश हैं और श्रीलंका भी इस लिस्ट में है। चीन इस छोटे छोटे देशों को फिनेंशियल हेल्प करके अगर वो देश कर्जा चुका नहीं पाया तो उसकी ज़मीन को छीन लेती है और दावा करती है कि वो एरिया चीन की है। चीन की इस प्रकार से चली बात अब कई मोड़ लिए। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों चीन ये सब कर रही है और रूस के साथ किस एरिया को लेकर ये विवाद है। दोस्तों, लैंड मैफिया चीन की ज़मीन की भूख है कि मिटने का नाम ही नहीं ले रही। पूरी दुनिया को कोरोना बांटने के बाद चीन कई देशों के साथ तनावपूर्ण रिश्तों को बढ़ावा देने में लगा हुआ है, ताकि कोरोना को भूलकर दुनिया अब उसके इस चक्रव्यूह में फंस कर रह जाए। इसी सिलसिले में भारत, म्यांमार, जापान के बाद चीन अब रूस में भी घुसपैठ कर उससे दुश्मनी मोल ले ली है। चीन ने बाकायदा रूस के एक शहर पर अपना दावा ठोक दिया है। दोस्तों, हांगकांग, ताइवान, तिब्बत, साउथ चाइना सी, डोकलाम, गलवान घाटी और अब रूसी ज़मीन पर कब्जे की कोशिश। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अब उसने रूसी शहर व्लादिवोस्तोक पर अपना दावा ठोक दिया है। दरअसल इसे भूमाफिया चीन की नई चाल माना जा रहा है। दुनिया के कोरोना मीटर पर रूस तकरीबन 7 लाख पॉजिटिव मामलों के साथ चौथे नंबर पर है। यानी कोरोना का जहर कहर अमेरिका, ब्राज़ील और भारत झेल रहे हैं। ठीक ऐसा ही कहर रूस के हिस्से भी आया है, मगर बावजूद इसके उसने चीन पर कभी उंगली नहीं उठाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन और रूस का दुश्मन एक ही अमेरिका है, इसलिए रूस कभी चीन के रास्ते में नहीं आता। दोस्तों, हांगकांग का मसला हो या ताइवान का मसला हो या तिब्बत का मसला हो और साउथ चाइना सी का, रूस चीन के खिलाफ उठते हर मुद्दे पर चुपी साध लेता है, बशर्ते आँच उस तक ना आ रही है। मगर ड्रैगन तो ड्रैगन है, मुंह से आग उगलेगा तो उसकी जद में अकेले भारत थोड़ी आएगा, क्योंकि चीन के बगल में अकेले हमारा देश थोड़ी है। दोस्तों, चीन के लिए रूस की इस दरियादली का नतीजा क्या हुआ? चीन ने रूस की इस दोस्ती का सिला किया दिया। सिला तो छोड़िए साहब, चीन ने तो रूस की पीठ पर छुरा घोंप दिया है। इस लैंड माफिया ने रूस को भी नहीं बख्शा और उसने रूस के एक शहर व्लादिवोस्तोक पर ही अपना दावा ठोक दिया है। दोस्तों, चीन ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी रूस को किस तरह धोखा दिया और ये पूरा मामला क्या है, उसको समझने के लिए पहले आपको व्लादिवोस्तोक शहर की लोकेशन की समझना होगा। रूस के सबसे पूर्व में बसा शहर है व्लादिवोस्तोक। ये व्लादिवोस्तोक का नाम इसलिए क्योंकि इसका मतलब ही होता है पूर्व का राजा। दोस्तों, प्राइमर्सी की क्राय सूबह का ये शहर चीन और नॉर्थ कोरिया की सीमा से लगता है, और तो और जापान से इसकी दूरी भी महज 700 किमी से ज़्यादा नहीं है। हालांकि इस शहर से चीन के बॉर्डर की दूरी महज 65 किमी है। व्लादिवोस्तोक शहर पर चीन ने ना दावा ठोंक कर ना सिर्फ अपने दोस्त से दगा किया है, बल्कि सोए हुए शेर को भी जगा दिया है। तो अब सवाल ये कि आखिर चीन ने अपने इकलौता ताकतवर दोस्त को छोड़ने की हिमाकत की क्यों? क्यों वो व्लादिवोस्तोक शहर का नाम अपनी जुबान पर लाकर अपनी जमी जमाई दोस्ती में दरार लाने की गुस्ताखी कर रहा है? तो सुनिए, प्रशांत महासागर पर व्लादिवोस्तोक शहर किसी सोने की खोदन से कम नहीं है। ये ना सिर्फ प्रशांत महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार की रीढ़ है, बल्कि यहाँ से व्यापार के लिए दुनिया के रास्ते भी खुलते हैं। दोस्तों, रूस के लिए ये शहर कितना अहम है, इसका अंदाज़ा आप इसे लगा सकते हैं कि ये जापान सागर के प्रशांत तट पर रूस का सबसे बड़ा बंदरगाह है। रूस का ज़्यादातर व्यापार व्लादिवोस्तोक के रास्ते ही होता है। इतना ही नहीं, यहाँ रूस की नेवी का सबसे बड़ा बेस भी है। दोस्तों, रूस के हिस्से में आने वाले उसके तमाम समुद्री क्षेत्रों में व्लादिवोस्तोक ही इकलौती ऐसी जगह है जहाँ से न सिर्फ व्यापार मुमकिन है, बल्कि उसकी नेवी की एक्सरसाइज के लिए भी यही जगह सबसे मुफीद है। क्योंकि इसके अलावा रूस के बाकी के तकरीबन तमाम समुद्री तट या तो हमेशा बर्फ में जमे रहते हैं, या फिर वहाँ घने जंगलों का जाल ज़्यादा और आबादी ना के बराबर है। करीब 6 लाख की आबादी वाला ये शहर स्ट्रेटेजिकली भी रूस की रीढ़ की हड्डी है। बंदरगाह होने की वजह से लोग इसे रूस के आर्थिक राजधानी का दर्जा भी देते हैं। दोस्तों, रूस के इस शहर का स्थापना 2 जुलाई 1860 में हुई थी
हर साल की तरह इस साल भी रूस में व्लादिवोस्तोक शहर की सालगिरह मनाई गई। खुद दिल्ली में रूसी एम्बेसी ने अपने ट्विटर हैंडल से व्लादिवोस्तोक शहर की 160वीं सालगिरह की बधाई दी थी। ठीक ऐसी ही एक पोस्ट बीजिंग में रूसी एम्बेसी से भी किया गया, क्योंकि वहां ट्विटर नहीं चलता है, इसलिए एशियन एम्बेसी ने वहां के ट्विटर टाइप सोशल मीडिया ऐप सीना बीबो पर चीनी भाषा में किया ये मैसेज किया। बस इसी के बाद चीनी लोग, सीनियर डिप्लोमेट, सरकारी अधिकार और चीनी पत्रकार भड़क उठे। दोस्तों, चाइनीज ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के सीनियर जर्नलिस्ट सेन सिवेई ने ट्वीट करके एशियन एम्बेसी के इस मैसेज पर नाराजगी जताई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि रूसी एम्बेसी के इस संदेश का हम स्वागत नहीं करते हैं। व्लादिवोस्तोक पहले इतिहास तौर पर चीन का हिस्सा रहा है। इस शहर को पहले हेस्नोवाई के नाम से जाना जाता था, जिस रूप से एक तरफ सिंध के तरह चीन से छीन लिया था। तो कुल मिलाकर चीन ने अब रूस के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया है और दुनिया को ये बताना शुरू कर दिया है कि व्लादिवोस्तोक शहर पिछले 160 साल से रूस के कब्जे में है। हालांकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार की चालाकी देखिए कि उसने आधिकारिक तौर पर, यानी ना तो सरकार की तरफ से और ना ही विदेश मंत्रालय की तरफ से, व्लादिवोस्तोक शहर पर ऐसा कोई दावा किया है, बल्कि चीनी सरकार अपने लोगों से इस मुद्दे को उठवाने की कोशिश कर रही है। मगर सवाल यह है कि आखिर व्लादिवोस्तोक का विवाद है क्या और क्यों ऐसे वक्त में जो पूरी दुनिया चीन के खिलाफ है, तब रूस को नाराज करके चीन अपना एक और मुखाली पैदा कर रहा है।